मैं राम हुसैन बादल सदर तंजीमुल मुस्लिमीन बैतुल माल यादगीर आज ईद का चांद यादगीर में नजर आया है और मैं आलम इस्लाम को और ख़ासकर यादगीर वालों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ यादगीर के आवाम को ईद की तमाम खुशियां और मसरतें मुबारक हो। कल ईद में एक दूसरे के गले मिलना है, मुबारकबाद पेश करना है, वो चाहे हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, हम उसको बुलाते हुए हमारे जो है ना उसको गले लगाकर उसी की रमजान शरीफ की मुबारकबाद पेश करना। ये कहते हुए मैं आज के फिर एक बार यादगीर के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज रुयत हिलाल की मीटिंग हुई। इस कमेटी की जानिब से रुयत का ईदुल फितर का जो चांद नजर आया शवालुल मुकर्रम का, ये बड़ी खुशी की बात है और मैं अपनी जानिब से और तंजीम की जानिब से तमाम मुसलमाना ने यादगीर को ईदुल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल ईदगाहों में और मसाजिद में नमाज़े ईदुल फितर अदा की जाएगी। आज लैलतुल जायज़ा है, आप आज की रात में भी खुशी व खुशी के साथ इबादतें कीजिए, गुनाहों की माफ़ी मांगिए, जो कमी व बेशी रह गई है अल्लाह ताला आज हर नफ़्स व नाक़िस की सुनता है, आप भी उससे मुस्तफ़ीद होइए। और फिर कल ईदगाह जाते हुए आज का जो खुसूसी वजीफ़ा है उसको पढ़ते हुए जाइए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, क्योंकि हर गली और हर मुकर पर फरिश्ते मौजूद होते हैं और मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। हमारा ये वतीरा होना चाहिए कि हम लघु अलाप में ना पढ़ते हुए कलमाए तैयबा को और वजीफे का वर्द करते हुए ईदगाह की जानिब जाएं और नमाज़ें अदा करें, दुआएं मांगें, आलम इस्लाम के लिए दुआएं मांगें।